बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बतखों की अटखेलियाँ दिखाऊंगा, यानी आपको बतखें हैं जो वो खेलती हुई मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अभी डक फार्म यानी बतखों के फार्म के अंदर हूँ मैं। तो ये मेरे पीछे बतखों के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, क्योंकि बतखें पानी में ज़्यादा खुश रहती हैं, खुश्की में ये कम ही रहती हैं। ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो पानी में गुजारती हैं। साथ इन्होंने कमरा बनाया हुआ है, इसके काफ़ी सारे दरवाजे हैं जहाँ पर बतखें रात को आराम करती हैं। उसके बिल्कुल सामने बतखों का स्विमिंग पूल है जहाँ पे बतखें नहाती हैं। आप देख लें, ज़्यादा बतखें हैं जो वो पानी में ही हैं, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा खुश रहती हैं। तो ये 1-1.5 कनाल का प्लाट होगा जिसमें उन्होंने बतखों का फार्म बनाया हुआ है, और इसके इर्द गिर्द सारे जो है वो खेत वगैरह ही हैं। तो इधर इन्होंने लोहे की जाली लगाई हुई है, ये लोहे की जाली लगाई हुई है ताकि बतखें हैं जो वो बाहर ना जाएं। और इस साइड पे भी जाली है, इधर बाग है और उधर उन्होंने रहने के लिए कमरा बनाया हुआ है, इधर उन्होंने गुसलखाना वगैरह बनाया हुआ है, और फार्म के अंदर आने का दरवाज़ा ये रहा। अभी मैं आप लोगों को पूरा जो फार्म है वो ड्रोन से ऊपर से व्यू लेके दिखाता हूँ। अंदर जो बतखें हैं वो ज़्यादा उम्र की नहीं हैं, वो 3 या 4 माह की उनकी एज होगी। और जो सबसे बड़ी बतखें इधर दो हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रही वो दो बड़ी बतखें।
कैसी लगी आपको बतखियां खेलती हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ ज़ैन लाबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।